तो अब स्टार्ट करते हैं मेसनर इफेक्ट के साथ। सिंपल ही है और इम्पोर्टेंट भी है। आईएमपी सिंपल क्या ये फेनोमेना, मतलब देखो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं या सुपर कंडक्टर लेते हैं, एक नॉर्मल मटेरियल है। जब टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी, मतलब ये कौन सा स्टेट होता है, नॉर्मल स्टेट, जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाएगा तब उसको कौन सा स्टेट बोलते हैं, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो होता क्या है, अगर यहां से मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पास करो, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये पेनिट्रेट हो जाएगा मतलब ये जो मटेरियल है उसके सीधा बाहर, चीर के बाहर जाएगा नॉर्मल। जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा तब क्या होता है, वो उसको एक्सपेल करता है, मतलब इसके इसके थ्रू नहीं है, इसको ऐसे लांग के जाएगा। और इस इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, मिस्टर इफेक्ट, सिंपल। और इसको जिसने फाउंड किया है वो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम मेसनर था, इसीलिए इसको मेसनर इफेक्ट कहते हैं, सिंपल। तो ये है मेसनर इफेक्ट। तो इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपेल्स कंप्लीटली थ्रू अ सुपर कंडक्टर, दिस इफेक्ट इज नोन एज मेसनर इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज नोन एज मेसनर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को मैसनर इफेक्ट बोलते हैं। अब मैग्नेटिक इंडक्शन का एक फॉर्मूला है, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड इनसाइड सब्सटेंस इज बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एन। हम अगर एच यहां से कॉमन लेंगे, एच ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस m/h, जब ये एच मल्टीप्लाई का एच एच वन जा एच, और जब एच मल्टीप्लाई का एच एच कैंसिल होगा, तो ये सेम है 1 प्लस n। क्यों हम m/h लिखे, क्योंकि m/h क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसको एक्स जैसा सिंबल है उससे डिनोट करते हैं, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो एच है, एच मतलब क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यर एच इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एम मतलब मैग्नेटाइजेशन ऑफ मीडियम, और इसका मीनिंग होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। अब ये जो इक्वेशन है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस एम, और दूसरा इक्वेशन है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस m/h इंटू एच, पुट बी इक्वल टू 0। अगर बी 0 है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बी 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस 0 हो जाते हैं, इसलिए इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता क्या है, बी 0 होता है, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड 0 होता है, तो बी को 0 कर देंगे
तो म्यू नॉट एच प्लस एम, तो म्यू नॉट उधर जाके जीरो हो जाएगा डिवाइड में, तो एच प्लस एम, एम इज इक्वल्स टू माइनस एच मिलता। ये पहला आउटकम आ रहा है बी इक्वल टू जीरो पुट करने का। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन, एम मतलब मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एम मतलब मैग्नेटाइजेशन, सो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे बी जीरो पूरा पुट करो, ये सेकेंड वाले कंडीशन में बी इक्वल टू जीरो पुट करो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, सुपर कंडक्टिव फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके तो बी जीरो म्यू नॉट वन प्लस एम बाय एच इंटू एच, तो ये म्यू नॉट मल्टीप्लाई में उधर जाके जीरो हो जाएगा, एच भी मल्टीप्लाई में उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वन प्लस एम बाय एच इक्वल्स टू जीरो, तो एम बाय एच इज इक्वल्स टू माइनस वन, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एम बाय एच ससेप्टिबिलिटी होता है वो क्या हो गया इक्वल्स टू माइनस वन, तो ये हमको आउटकम मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है, अगर ये लेस देन वन है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, क्योंकि हमने पढ़ा था डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, लेस देन वन, ये जो एक्स रहता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये लेस देन वन रहता है, इस कंडीशन को बोलते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। ओके तो ये है मेसनर इफेक्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ आउट।